Hello friends, welcome to Vibha Teaching Academy. Myself Vibha Mishra, and today we are going to learn about use of had been. It is based on basic English grammar. आज की इस वीडियो में हम had been के use के बारे में देखने वाले हैं कि had been का use कहाँ होता है. Friends, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मेरा जो previous video था उसमें मैंने use of have been and has been के बारे में discuss किया था. उसे आप description box में link के जरिए देख सकते हैं. उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज का मेरा यह वीडियो यूज ऑफ हैड बीन के बारे में है. इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट बट कंटिन्यूइंग व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग दैट एक्शन. यह वह क्रिया है जो उस क्रिया की तरफ डिनोट मतलब इशारा करती है जो क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही समाप्त हो गई परंतु अभी डिस्क्राइब करते समय वह क्रिया कंटिन्यू फॉर्म में है. सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट और सभी नाउन के साथ में चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो सभी के साथ में हैड बीन का ही प्रयोग होगा. इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव में है तो वो किस प्रकार का होगा. सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हैड बीन का प्रयोग होगा फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट करने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे. सो एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स. वह 2 घंटे से फिल्म देख रही थी. यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है उसके बाद हैड बीन का प्रयोग हुआ है उसके बाद वॉच जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी काउंट हुआ है फिर द मूवी ऑब्जेक्ट है 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है पर्टिकुलर टाइम नहीं मेंशन हो रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम मेंशन बताया जा रहा है इसलिए वहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैड बीन रनिंग दियर स्कूल सिंस 2003. वह 2003 से अपना स्कूल चला रहा था. यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है उसके बाद हैड बीन का प्रयोग हुआ है उसके बाद रन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है डियर स्कूल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम 2003 को मेंशन किया गया है यानी यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पॉइंट हो रहा है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. थर्ड वन दे हैड बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम फॉर 3 मंथ्स. वे पिछले 3 महीने से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे. फोर्थ वन शी हैड बीन टीचिंग स्टूडेंट सिंस 15 जून 2009. वह 15 जून 2009 से बच्चों को पढ़ा रही थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ वन आई हैड बीन अप्लाइंग फॉर जॉब सिंस जून 2007. मैं जून 2007 से जॉब के लिए आवेदन कर रही थी. इन निगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा वाक्य निगेटिव होता है तो वो किस प्रकार से बनेगा. सबसे पहले रूल्स देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे फिर उसके बाद हैड का प्रयोग होगा उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा फिर उसके बाद बीन लगेगा. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा. एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट वन ही हैड नॉट बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 इयर्स. वह 3 साल से फल नहीं खा रहा था. यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है उसके बाद हैड फिर नॉट फिर बीन का प्रयोग हुआ है. ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का उसमें आईएनजी लगा के ईटिंग बना है फिर उसके बाद फ्रूट्स जो है ऑब्जेक्ट है फिर यहाँ पे 3 इयर्स इसके लिए फॉर का प्रयोग हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल दे हैड नॉट बीन डूइंग दियर वर्क सिंस 2009. वे 2009 से अपना काम नहीं कर रहे थे. यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग फिर हैड नॉट बीन का प्रयोग फिर डू का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है दियर वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है 2009 पर्टिकुलर टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. थर्ड वन निधा हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मंथ्स. निधा 5 महीने से दूध नहीं पी रही थी. फोर्थ
फोर्थ वन, यू हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 9 months. आप पिछले 9 महीने से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे. फिफ्थ वन, द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 3 weeks. वे लड़के पिछले 3 हफ्ते से मैच नहीं खेल रहे थे. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा वाक्य प्रश्न के रूप में होता है तो वह किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले रूल्स देखते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग होगा, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत के में या सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट वन, हैड दे बीन वर्किंग ऑन दियर प्रोजेक्ट सिंस 2007. क्या वे 2007 से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑन दियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया 2007, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Had she been waiting for her for 1 hour? क्या वह 1 घंटे से उसका इंतजार कर रही थी? यहाँ पे भी देखिए, सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के वेटिंग बना है, फॉर हर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वन आवर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है. इसी तरह से और से भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. थर्ड वन, हैड आई बीन यूजिंग माई मोबाइल सिंस 15th March 2012. क्या मैं 15 मार्च 2012 से अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोर्थ वन, हैड बी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 15th June 2012. क्या वे 15 जून 2012 से स्कूल जा रहे थे? आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन फ्रेंड्स, बाय.